Hey guys, this is Karan and you are watching Gadget. See, so when ICC Champions Trophy 2017 India versus Pakistan का मैच आज है और मौका मौका की वीडियोस जो है आपने बहुत सारे देखे होंगे, तो इसी मौके का फायदा उठा के मैंने भी ये वीडियो बना दिया है और आपको इस वीडियो में बताऊंगा टेक्नोलॉजी के बारे में, जो मेनली जो नई नई टेक्नोलॉजी जो इस ICC चैंपियंस ट्रॉफी में यूज हो रही है और जो कि प्रोवाइड कर रहा है इंटेल। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा उन LED स्टम्प्स के बारे में जो कि बहुत टाइम से यूज होते हुए आ रहे हैं, कि वो काम कैसे करते हैं और उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है और उनका प्राइस क्या है, और प्राइस सुन के आप भी शॉक रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक्नोलॉजी और गैजेट से रिलेटेड सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल गैजेट सी को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो इन सबसे पहले बात करते हैं LED स्टंप्स की। सो LED स्टंप्स आपने देखा है बहुत टाइम से यूज होते हुए आ रहे हैं, और जब भी कोई विकेट की बस स्टंपिंग करता है या फिर बॉल आके स्टंप्स पे लगती है तो उसकी बेल्स उड़ती हैं जैसे ही, तो उसमें जो है LED लाइट ब्लिंक करने लग जाती है, वो भी रेड कलर की। सो ये जो LED स्टंप्स है ये बने हुए होते हैं कंपोजिट प्लास्टिक से और LED क्लेमर से। अब बात कर लेते हैं ये काम कैसे करते हैं। ये जो LED स्टंप्स होते हैं इनमें जो बेल्स होती हैं उनमें लगे होते हैं माइक्रोप्रोसेसर और सेंसर्स, उनमें कैपेसिटी होती है डिटेक्ट करने की। जब भी वो जो बेल्स हैं अपने सॉकेट से या अपने जगह से डिसलॉज हो जाती हैं या फिर निकल जाती हैं तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं ये चीज़ को। और उसमें स्टम्प्स और बेल्स में एक और चीज़ लगी हुई होती है, वो है लो वोल्टेज बैटरी। उससे उसको LED लाइट्स को जो है पावर मिलती है। जैसे ही सेंसर और माइक्रोप्रोसेसर डिटेक्ट कर लेता है बेल्स में लगा हुआ कि वो बेल्स अपनी जगह से डिसलॉज हो गई हैं, तो उसको मिलती है लो वोल्टेज बैटरी से पावर और वो LED लाइट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही ब्लिंक करने लग जाती है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है डिटेक्शन और पूरे LED लाइट का ब्लिंक करने का, और ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है। ये बहुत ही एक्यूरेट है। आपने भी बहुत बार टीवी पे देखा होगा जब भी कोई रन आउट होता है तो उसमें चेक किया जाता है कि LED लाइट्स जो है स्टंप्स की कब जली, तो उस हिसाब से वो कंपेयर किया जाता है कि बैट्समैन क्रीज के अंदर है उस टाइम या फिर नहीं। इस हिसाब से वो एम्पायर को डिसीजन करने में बहुत एक्यूरेसी आती है और इजी भी रहता है एम्पायर्स को। इस तरह से जो है टेक्नोलॉजी काम करती है LED स्टंप्स की। अगर प्राइस की बात करें तो LED स्टंप्स के तो ये लगभग पड़ता है 25 लाख का। और अगर आप मेरे से पूछेंगे बेल्स का प्राइस क्या है, उसके लिए मुझे कोई फिगर बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए वो आईफोन के प्राइस के हैं। और फ्रेंड्स ये जो LED स्टंप्स होते हैं इतने एक्यूरेट होते हैं और इनकी एक्यूरेसी की वजह से ही जो है इनका प्राइस इतना ज्यादा है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इंटेल की तीन टेक्नोलॉजीज के बारे में जो कि यूज की गई है मेनली इस ICC चैंपियंस ट्रॉफी में, और जिसकी वजह से आप सिंपली अपने टीवी पे सारी डिटेल्स देख पाते हैं, चाहे वो पिच के बारे में हो या फिर बैट्समैन के बैट की स्पीड के बारे में हो। ये सब जो है टेक्नोलॉजी इंटेल प्रोवाइड कर रहे हैं इस ICC चैंपियंस ट्रॉफी में। फ्रेंड्स सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है इंटेल फैल्कॉन 8। ये बेसिकली एक ड्रोन है जो कि एक HD और इंफ्रारेड कैमरा यूज करता है पिच की एनालिसिस के लिए। जिस दिन भी मैच होता है उस दिन मैच डे के दिन वो जो ड्रोन होता है कैप्चर करता है पिच की इमेजेस और वीडियो फुटेज, ताकि उससे जो है रिच विजुअल डेटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो है आपको टीवी पे बताया जाता है कि ये जो पिच है थोड़े टाइम बाद स्लो हो जाएगी या फिर ऐसे ही रहेगी, या फिर पिच पे ग्रास है या फिर फ्लैट पिच है, तो पूरी टोपोलॉजी बताई जाती है और ये पिच के बारे में पूरी एनालिसिस निकाली जाती है। और ये जो वीडियो फुटेज और इमेज कैप्चर करता है ये ड्रोन, इसी वजह से जो है डेली पिच रिपोर्ट निकाली जाती है। और आपको वो टीवी पे आपने देखा हो तो वो पिच की एक फोटो दिखाते हैं और उसमें वो दिखाते हैं अलग अलग कलर्स पिच पे। जैसे ही जो वो कलर जो है पिच पे पर्पल होता जाता है तो वो देता है स्पिनर्स को मदद, और जैसे ग्रीन या फिर येलो होता जाता है तो वो देता है सीमर्स को मदद। इस तरह से वो पूरी पिच एनालिसिस रिपोर्ट निकाली जाती है इसी ड्रोन की मदद से। दूसरी जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है बैट सेंसर, जो कि इंटेल प्रोवाइड कर रहा है क्रिकेट में। ये जो बैट सेंसर है ये लगाया जाता है बैट्समैन की बैट में, उसके बाद जो है आपको टीवी पे सिंपली दिखाया जाता है कि बैट्समैन ने कितनी तेजी से अपनी बैट को स्विंग किया, मतलब कितनी स्पीड से वो शॉट लगाया और बैकलिफ्ट एंगल क्या था, ये सब चीजें डिटेल्स जो है इसी बैट सेंसर की मदद से निकाली जाती है। ये जो बैट सेंसर होता है ये काम करता है क्यूरी मॉड्यूल पे। इसको आप सिंपली समझ सकते हैं एक कंप्यूटर जो कि बटन के साइज का है। ये जो है इंस्टॉल किया जाता है बैट्समैन की बैट में और उसके बाद सिंपली आपको डिटेल्स बताई जाती है। ये जो क्यूरी मॉड्यूल है इंटेल का ये यूज होता है बहुत सारे वियरेबल डिवाइसेस में और अब ये यूज होता है क्रिकेट में भी। ये काफी अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी जो है स्पोर्ट्स को कितना एक्यूरेट बनाती है आप भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद तीसरी जो टेक्नोलॉजी जो इंटेल प्रोवाइड कर रहा है वो है वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस।
सो मीन्स ये जो टेक्नोलॉजी अभी तक वर्ल्ड में दो ही स्टेडियम्स में जो है स्टार्ट की गई है, वो है इंग्लैंड के स्टेडियम जहाँ पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, एक ओवल में और एक एज बेस्टन में। सो ये दो ही स्टेडियम में ये वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस की जो टेक्नोलॉजी है ये स्टार्ट की गई है। इसकी मदद से जो है बैट्समैन जो है अपने सामने वर्चुअल बॉलर को खेल सकता है, एक वियरेबल डिवाइस को पहन के अपने सामने वर्चुअल बॉलर को देख सकता है और उसके हिसाब से अपनी बैटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है और काफ़ी अच्छा बना सकता है। सो भाई यही जो तीन टेक्नोलॉजी ये इंटेल प्रोवाइड कर रहा है क्रिकेट के स्पोर्ट के लिए, और इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है क्रिकेट को बहुत एक्यूरेट बनाया जाता है। और इसके अलावा जो क्रिकेट के व्यूअर्स हैं, मतलब जो क्रिकेट के फैंस हैं, उनके टीवी पे जो है ये एक पूरी डिटेल्स जो है इजीली दिखाई जाती है ब्रॉडकास्टर की मदद से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसी लगी है टेक्नोलॉजी जो कि नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ होती है क्रिकेट में। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज करण साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।